भली वो डीजल में खर्चा लग रहा है सब बात है, लेकिन अपने टाइम भी तो कितना खराब हो रहा है भाई। अगला डीजल वाला, पेट्रोल वाला, सीएनजी वाला तो वो आपका लोड ले जाएगा, बुकिंग ले सक ले जा सकता है ना, चार्जर मिल जाता है तो उसमें लगना 3 घंटे। तो क्या भाई 3 घंटा आपका टाइम खराब करेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, आपके पास बुकिंग है पहले से ही, गूगल से मिल ही जाना, लेकिन मैं सब चीज़ आपको, मैं ये बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए ये नहीं चाहिए, मैं ये आपको यही बताता हूँ इस चैनल में। तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी आपको 5 साल ये गाड़ी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेस्ट चीज़ दी हुई है। बहुत से लोगों की नींद लग जाती है और वो चलाते रहते हैं, उनके थके हुए रहते हैं तो चलते चलते उनकी नींद लग जाती है, खुदा ना खास्ता हादसे भी हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा, ये भी बता देता हूँ आपको, कंटेनर बॉडी और हाफ बॉडी आप लोगों को भी लेना चाहिए, मतलब कंटेनर बॉडी इसमें लेना चाहिए, आपको लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल रियल इन्फो ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में जो करोगे। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए इस इन्फॉर्मेशन को लेकर कि जो भाई नई गाड़ी आई है अभी महिंद्रा की, अपना जो महिंद्रा जियो निकला है ई व्हीकल में, ईवी मतलब जो बैटरी वाली है, वो कैसी क्या गाड़ी हो सकती है आप लोगों के लिए, और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अभी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये सब चीज़ों की बात करेंगे अपन। और वीडियो में भाई बने रहें, और वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरा पीछे जो भाई इंस्टाग्राम चैनल है शाहजब साहब के नाम से, भाई इसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई बात करनी हो, मैसेज पे चैटिंग करनी हो, तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल आपको हूँ, और डीएम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो भाई अपन बात ये करना चाहते हैं, आपके जो ई व्हीकल महिंद्रा ने निकाला है जियो, ये आप लोगों के लिए कहाँ तक सही है, आप मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, और अगर मैं सही हूँ तो ये भी आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि एक दूसरों की हेल्प से ही काम अपना बन रहा है, ठीक भाई। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि भाई इसमें दो वेरियंट है, एक तो V1 और V2, तो मतलब V2 V1 दो वेरियंट है इसके अंदर, और जिसमें वेरियंट में सेम ही चीज़ है, ज़्यादातर बैटरियों का फर्क है और बॉडी का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बॉडी भी सेम ही है, और इसमें चार्जिंग भी सेम है, बस बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। और बाकी अभी तो अपन V1 की बात करेंगे, और V2 की अगर आपको लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो अपन V1 की बात करेंगे जो थोड़ी सी सस्ती परचेस कर सकते हो आप। तो भाई अपन बात करते हैं हाफ बॉडी की और कंटेनर बॉडी की। तो ये भी बता देता हूँ आपको, कंटेनर बॉडी और हाफ बॉडी आप लोगों को भी लेना चाहिए, मतलब कंटेनर बॉडी इसमें लेना चाहिए, आपको लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हाफ बॉडी में आपको सबसे पहले बता दूंगा भाई, 7,52,000 रुपये के आसपास की वो आ रही है, 7,52,000 रुपये में आपको मिलेगी हाफ बॉडी, जो नॉर्मल सी आती है ना, जो हाफ बॉडी जो कंपनी से निकलती है, और कंटेनर बॉडी भाई आपको 7,82,000 रुपये में पड़ेगी। तो इसमें आपको दोनों में भाई 30,000 रुपये का डिफरेंट है, 30,000 रुपये में जैसे आपको कंटेनर बॉडी मिल रही है। तो मेरा भाई इसमें मैं आपको सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप कंटेनर बॉडी कंपनी से ले रहे हैं, तो मेरा भाई 30,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, 20 से 22 हज़ार रुपये में आपको कंटेनर बॉडी बाहर मार्केट आफ्टर मार्केट बन सकती है बहुत आराम से, ठीक है, कंटेनर बॉडी, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, कंटेनर बॉडी आपको किस किस को लेने की ज़रूरत है, जिसका काम भाई परचून का है, जिसको मार्केटिंग का काम है, जिसको ऐसा काम है कि सामान डाला अपना परमानेंट रखा है, दुकानदारी अपनी चल रही है, जिसको दुकानदारी का काम है, कुल मिला के ये है कि सेल सेमिनिंग वाले काम, उसको भाई ये काम कंटेनर बॉडी की जरूरत पड़ेगी। और जिसका काम ऐसा है कि भाई कुछ भी भाड़ा आपको भरना है, और सोयाबीन लेके जानी है, प्याज लहसुन आफ्टर मार्केट, कुछ भी सरिया सीमेंट लोहा फर्नीचर जो भी आपको पत्थर भरना है, टाइल्स वगैरह जो भी भरना है, उसके लिए भाई हाफ बॉडी वाली गाड़ी लेना पड़ेगी, जिसको आपको अलग से बनवानी पड़ेगी आपके हिसाब से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बदला चुका हूँ। और ये जो मैंने रेट बताया भाई, हाफ बॉडी के 7,52,000 रुपये, जो कंटेनर बॉडी के 7,82,000 रुपये, ये है भाई एक शोरूम प्राइस जो आपको जाना पड़ा है, कंपनी एक शोरूम प्राइस है, उसके बाद जो और जो टैक्सेस हैं, बीमा है, आपका नाम ट्रांसफर खर्चा है, फाइल है, ये सब का खर्चा आपका अलग हो जाएगा। तो जो 7,52,000 रुपये की जो गाड़ी पड़ रही है, मेरे हिसाब से ऑन रोड वो 8 लाख के आसपास पड़नी पड़ेगी, और फाइनेंस कराएंगे तो मेरे हिसाब से 9.5 लाख रुपये तक पहुँच जाएगी। और जो 7,82,000 रुपये की जो कंटेनर बॉडी पड़ रही है, उसमें भी यही कहानी रहेगी, प्रोसेस कागज की रहेगी, पूरी पेपरों की, तो वो जो भाई 7,82,000 की पड़ रही है, वो आपको पड़ रहेगी कम से कम मेरे हिसाब से 9,30,000 के आसपास की, ठीक है। उसे आप फाइनेंस कराएंगे तो वो 10 लाख के आसपास आपकी गाड़ी पहुंच जानी है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बात पहले क्लियर कर दिया आपकी। अब इसके अंदर भाई ड्राइवर के लिए मॉनिटर ऑपरेटर एक सिस्टम दिया हुआ है, जो एक गाड़ी के अंदर लगा हुआ है सेंसर, जिसको कहते हैं सेंसर, जो
मतलब गाड़ी आप चला रहा हो, जैसे आपका नींद लग चुकी है, गाड़ी पटली से उतर रही है, गाड़ी का आपका कहीं और ध्यान है, तो वो एक बिलिंग करेगा, बी 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 बी, जो आप ड्राइवर को आपको संकेत देगा कि भाई आप बिल्कुल सतर्क रहिए, होशियार रहिए जब गाड़ी को आप चलाना चला चलाना। तो ये कहूंगा मैं कि ड्राइवर के लिए ये काफी बेस्ट चीज दी हुई है। बहुत से लोगों की नींद लग जाती है और वो चलाते रहते हैं, उनके थके हुए रहते हैं तो चलते चलते उनकी नींद लग जाती है, खुदा ना खास्ता हादसे भी हो जाते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि बहुत बेस्ट चीज है, लेकिन इसके पैसे इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, लेकिन भले ही हुआ है लेकिन वो चीज बहुत बेस्ट है मैं कहूंगा। रात में भी बहुत ड्राइवरों को नींद आ जाती है, कहीं आगे गाड़ी आती दिखती नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ये मैं कहूंगा कि बात बहुत बेस्ट चीज दिया हुआ है। एक इसके अंदर दिया हुआ भाई कैमरा, टच स्क्रीन मतलब डिस्प्ले भी दी हुई है, कैमरा दिया, डिस्प्ले लगा हुआ साइड में और कैमरा लगा ऊपर, तो बैक कैमरा और एक 360 डिग्री एंगल कैमरा एक दिया हुआ है, कि ये भी वो भी बहुत बढ़िया चीज है मैं कहूंगा इसमें, क्योंकि सारी गाड़ियों में देना चाहिए ये लोडिंगों में। और ये देखो ये चीज है ना, आफ्टर मार्केट भी लग सकती है, ये सेंसर तो कंपनी का दिया हुआ है, ये बेस्ट है, लेकिन जो कैमरा वगैरह है ये आफ्टर मार्केट लग सकता है, तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्या नाम जो कंपनी दे रही है वो भी ठीक है, कंपनी दे रही है ठीक है, वो ओरिजिनल दे रही है, वो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, लेकिन बाहर आफ्टर मार्केट भी लग सकता है, तो ये भी अच्छी चीज दी है ठीक है। अब इसके अंदर अपन जो फास्ट चार्जर की बात करते हैं, तो भाई अगर आप घर पे चार्ज लगा रहे हैं तो ये 60 मिनट में आपकी चलेगी, मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे में, मतलब ये आपकी चलेगी 100 किलोमीटर चार्जिंग बेल ठीक है। और अगर आप लॉन्ग रूट चल रहे हैं, आप इसमें देखो एक फास्ट चार्जर होता है और एसी फास्ट चार्जर होता है, तो फास्ट चार्जर जो होता है, एसी होम जो चार्जर है, वो 7 घंटे लेगा आपकी गाड़ी को चार्ज करने में, और जो एसी फास्ट चार्जर है वो 3 घंटे में पूरी गाड़ी को चार्ज कर देगा। लॉन्ग रूट चार्ज चलेगी भाई इसको, भाई 160 किलोमीटर की बाजारी कंपनी, और जैसे जेनुअन रोड जो होते हैं, जो बिल्कुल सलंग मतलब हाईवे जो होते हैं उस पर ही चलेगी भाई 246 किलोमीटर ठीक है। जो हाईवे है वो जो मार्केट मार्केट में आप चलेंगे उसमें ट्रैफिक वगैरह में, तो उसमें जो है आपकी गाड़ी चलेगी 160 किलोमीटर के आसपास, और जो हाईवे रोड होगा भाई बिल्कुल टर्न जो रोड होते हैं वहां पे आपकी गाड़ी चलेगी 246 किलोमीटर ठीक है। तो यह है एक गाड़ी की, मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब चीज मैं बताऊंगा कि गारंटी क्या है व्हीकल की, बता देता हूँ। जो व्हीकल की गारंटी है भाई वो 3 साल की दी हुई है और 1,25,000 किलोमीटर चलना है उसे, 3 साल में 1,25,000 किलोमीटर चलना है, या फिर 1,25,000 किलोमीटर 3 साल से भी ऊपर हो रहा है तो वो कंपनी की अपन बात करना पड़ेगी। लेकिन 1,25,000 किलोमीटर नहीं हुआ, अगर उससे पहले कोई दिक्कत होती है तो फिर उसमें कंपनी आपकी वारंटी का मामला आ जाता है ठीक है। जो बैटरी वारंटी दी है वो 7 साल की दी हुई है और 1,50,000 किलोमीटर की दी है, 1,50,000 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद अगर बैटरी में कोई दिक्कत आती है तो वो चेंज करके देगी, जो भी वारंटी है उसकी ठीक है। तो मैं इसमें यह कहूंगा आपको कि एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ आपको, कि आप जो है अभी कहाँ तक आपको लगता है कि बैटरी व्हीकल अभी लोडिंग गाड़ी में लॉन्ग गाड़ियों में कहाँ तक सही है, आप मुझे बताइए। लोकल चल रहा है या 3 पहिए के बैटरी व्हीकल चल रहा है या 3 व्हीलर जो बैटरी व्हीकल चल रहा है वो तो एक बार कहीं ना कहीं सही आता है, लेकिन उसमें भी आपको मैं बदला सकता हूँ। आप कहीं लॉन्ग रूट जा रहा हो, मान लो 200-250 किलोमीटर चलेगा, वहाँ बैटरी खत्म हो जाती है आपकी, आप क्या करेंगे, तो वहाँ का चार्ज लगाएंगे, और चार्ज भी लगा दिया आपने तो भाई पूरी भयंकर, आप जब 200-250 किलोमीटर चले गए हैं पूरे, तो आपको तो बैटरी चाहिए बिल्कुल पूरी चार्ज, तो उसमें लग रहा भाई 7 घंटे, या आपको फास्ट चार्जर मिल जाता तो उसमें लग रहा 3 घंटे, तो क्या भाई 3 घंटे आपका टाइम खराब करेंगे आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरा भाई, आपके पास बुकिंग है पहले से ही, अगला फोन लगाया जा रहा है और आपको क्या है चार्ज लगाने बैठेंगे क्या, आप ये बताइए मुझे। इसमें यह है कि आपको कंपनी कह रही है या लोगों का भी कहना है कि इसमें पैसा बच रहा है डीजल का और क्या नाम है पेट्रोल का, सीएनजी का ये खर्चा बच रहा है, मेरा भाई तो इसमें भी तो खर्चे हैं। बैटरी खराब हो जाती है तो भाई 50% में नहीं बदलाएगी, 25% एक्सचेंज में होगी, वो 25% काटेंगे, उसके बाद आपको 70% आपको देना है, उसके बाद जो मोटर है लूम है ये सब चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, तो भाई कंपनी की अगर गारंटी खत्म हो गई तो आपका तो फिर दिवालिया हो जाना है। दूसरी चीज़ ये है, भले वो डीजल में खर्चा लग रहा है सब बात है, लेकिन अपना टाइम भी तो कितना खराब हो रहा है भाई। अगला डीजल वाला पेट्रोल वाला सीएनजी वाला तो वो आपका लोड ले जाएगा, बुकिंग ले जा सकता है ना, आप 3 घंटे 4 घंटे उससे कह रहे हो और पहुंचने में भी आपको टाइम लगेगा, चार्ज हो रही है आपकी गाड़ी, बहुत सारी चीजें हैं, मीटर का बिजली का बिल भी तो है, ये सब चीजें हैं मेरा भाई। ये सब चीजें आपको कहाँ तक समझ में आ रही है, कहाँ तक सही लग रही है, और इसके अंदर भाई बैटरी के
जो एक बैटरी लग रही है 18.4 के आसपास की इसका वजन है, मतलब किलो एक बैटरी में वजन है, और बैटरी के वजन भी तो है। चलो इसमें इंजन विंजन का वजन नहीं है तो बैटरी के वजन तो दे ही रहे हैं, ठीक है, 4-5 बैटरी लगे होंगे इसमें आराम से, है तो ये सब चीज़ें हैं, और बैटरी की गारंटी वगैरह भी सब है, तो ये सब चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो सब चीज़ें गूगल पे मिल ही जानी है आपको। और मैं आपको V1 का बता रहा हूँ, तो V2 भी लगभग सेम है, इसमें बैटरी कैपेसिटी पर चेंज है, मोटर की कैपेसिटी सेम ही है, और टॉर्क वगैरह सब 30 KV का वोल्ट का करंट मतलब पावर है इसका, और 144 का, 114 का टॉर्क है इसका गाड़ी का। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें तो आपको नॉलेज गूगल से मिल ही जाना, लेकिन मैं सब चीज़ें आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए ये नहीं चाहिए, मैं ये आपको यही बताता हूँ इस चैनल में। तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी आपको 5 साल ये गाड़ी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम भाई अभी लोगों को CNG डलवाने में ही प्रॉब्लम आ रही है, CNG ही कहीं हर कहीं नहीं मिलती मेरे भाई। CNG जो गाड़ी की गैस है उसमें भी आपको पेट्रोल पंप पर जब CNG डलवाने जाते हैं तो उसमें भी भाई काफी लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लाइन लगी रहती है, उसमें भी भाई प्रेशर मिल रहा नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीजें। और जब ई व्हीकल आप चार्ज करेंगे तो हर कहीं आपको उसका कनेक्टर मिल रहा नहीं मिल रहा, आप क्या करेंगे फिर, बहुत बड़े इश्यूज है। अभी सिटियों में तो चलो बैटरी कनेक्टर मिल रहा है, गाँवों में क्या करेंगे। तो ये बताओ आप ये गाड़ी लेना सही है नहीं सही है। तो V1 का है, ये V2 भी सेम है, तो उसका दोनों बताना मुझे इतना कोई जरूरी नहीं, आप बोलेंगे तो फिर मैं उसका वीडियो में बना दूंगा। तो ये बताओ आपके महिंद्रा जियो इलेक्ट्रिक आपको लेना कहाँ से कहाँ तक सही लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए जरूर। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ये पीछे इंस्टाग्राम का नाम भी चल रहा है, इंस्टाग्राम नाम है मेरा शाहजेब साहब, उस पर आप आइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, जो भी आपको बात करनी है चैटिंग करनी है कर लीजिए, जो आपको रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। और कमेंट आप अपने चैनल पे रियल इन्फो ब्लॉग आपका जो चैनल है इस पे ही करके जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द रियल इन्फो ब्लॉग।